वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रिसर्च में ये पता चला था कि डार्क मैटर हमारे शरीर के आर पार जा सकता है और हम इंसानों को प्लाज्मा में बदल सकता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि प्लाज्मा ही वह चीज है जिससे तारे बने होते हैं और ये बहुत ही गर्म मैटर होता है। खैर, ये खतरनाक सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यह इंसानों के आर पार हो सकता है, बल्कि वैज्ञानिक बताते हैं कि पहले होने वाले कई सारे ग्लोबल डिजास्टर में इसका ही हाथ रह चुका है। आज हम डार्क मैटर की पावर को जानने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें हम एक माइक्रोमीटर डार्क मैटर को अपने शरीर में डालेंगे और देखेंगे कि इससे क्या होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं लगातार ब्रह्मांड के फैलने की वजह से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं ऐसी भी हैं जो एक दूसरे से इस कदर बंधी हुई हैं कि ब्रह्मांड के फैलने के बावजूद भी वे एक दूसरे के करीब आ रही हैं। अगर आप क्लासिकल फिजिक्स की थिंकिंग से सोचते हैं तो आपके मुताबिक यह गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा होगा, लेकिन असल में गुरुत्वाकर्षण के अलावा भी यहाँ एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज इन्वॉल्व है। उस मिस्टीरियस चीज की वजह से ही गैलेक्सीज को तेज रफ्तार मिल पाती है। अगर गैलेक्सी में सिर्फ नॉर्मल मैटर मौजूद होगा तो बहुत ही धीमे रोटेट करेंगी, लेकिन उस मिस्टीरियस मैटर होने की वजह से ही वह करीब 5 गुना ज्यादा तेजी से घूम पाती है और एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड को जनरेट कर पाती है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि गैलेक्सीज के द्रव्यमान के हिसाब से उनकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही है, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। यह नया कॉन्सेप्ट उसी मिस्टीरियस मैटर से जुड़ा हुआ है और इसे हम द डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इसे कन्फर्म करने के लिए एक सिमुलेशन को रन किया। इसमें उन्होंने काफी सारे मॉडल बनाए, जिसमें से पहले मॉडल में उन्होंने एक ऐसा ब्रह्मांड बनाया जिसमें सिर्फ नॉर्मल मैटर ही मौजूद था, यानी वह मैटर जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। यह मॉडल बनाने के बाद वह चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हमारे ब्रह्मांड में मात्र नॉर्मल मैटर ही मौजूद होता तो गैलेक्सी जैसी कोई चीज कभी बन ही नहीं पाती। इसके बाद दूसरे सिमुलेशन में उन्होंने डार्क मैटर को भी ऐड किया, जिसमें उन्हें ऑलमोस्ट एक परफेक्ट ब्रह्मांड मिला। इस ब्रह्मांड में गैलेक्सी फॉर्म हो रही थी और उसकी गति भी उतनी ही थी जितनी असलियत में होती है। अभी भी थोड़ी दिक्कतें इसलिए थी क्योंकि उन्होंने डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इसमें सिमुलेट नहीं किया था। इस खोज के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ब्रह्मांड की हर गैलेक्सी में डार्क मैटर मौजूद है तो सीधी सी बात है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी बहुत भारी मात्रा में डार्क मैटर मौजूद होगा, और अगर इसमें डार्क मैटर मौजूद है तो वो हमारे सौरमंडल और हमारी पृथ्वी पर भी जरूर होगा। वैज्ञानिकों ने बाद में पता लगाया कि ऐसा सच में है और डार्क मैटर के अरबों पार्टिकल्स हर सेकंड हमारे शरीर से आर पार होते हैं। यह नॉर्मल मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ये हमारे शरीर के किसी भी पार्टिकल से नहीं टकराते हैं और बिना किसी दिक्कत के एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हो अगर किसी दिन डार्क मैटर का कोई पार्टिकल एक नॉर्मल मैटर के पार्टिकल से टकरा जाए? क्या हो अगर वह नॉर्मल मैटर कुछ और नहीं बल्कि हमारा शरीर ही हो? क्या इससे हमारी हेल्थ पर कोई असर पड़ेगा? आइए जानते हैं। जुलाई 2019 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या हम किसी इंसान के जरिए डार्क मैटर को पता लगा सकते हैं, यानी क्या हम इंसानों को एक डिटेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मैथ और सिमुलेशन से पता चला कि ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि डार्क मैटर नॉर्मल बायोनिक मैटर के साथ मिलकर क्लम्प्स बना लेता है, इन्हें मैक्रोस कहा जाता है। एक मैक्रो में उतनी ही एनर्जी होती है जितनी एक 22 कैलिबर राइफल से निकली हुई बुलेट में होती है, लेकिन आप इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। डार्क मैटर की एक मैक्रो के सामने यह छोटी मोटी बुलेट कुछ भी नहीं है। इन दोनों की एनर्जी भले ही सेम हो, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट और यह जिस तरह से चीजों को बर्बाद करते हैं वह पूरी तरीके से अलग है। यह मैक्रोस साइज में कुछ माइक्रोमीटर के ही होते हैं और इन्हें किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता है। अगर ये किसी भी तरीके से हमारी बॉडी से टकरा जाते हैं तो ये हमारे शरीर को 1 करोड़ केल्विन तापमान तक गर्म कर सकते हैं। ये हमारे सूर्य से 1.73 गुना ज्यादा टेम्परेचर है। हमारे शरीर से टकराने के बाद
यह तुरंत ही एक प्लाज्मा के सिलेंडर में बदल जाएगा, जो धीरे धीरे आपके शरीर को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। इसकी वजह से सबसे पहले तो आपके शरीर में एक छेद हो जाएगा और आप उस दर्द को किसी भी तरीके से नहीं झेल पाएंगे। अगर ऐसे ही कई सारे डार्क मैटर के मैक्रोस हमारे शरीर के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरीके से प्लाज्मा भी बन सकता है। सबसे पहले तो हमारे शरीर के जितने भी एटम्स हैं वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और धीरे धीरे पिघलना चालू कर देंगे। इस कोशिश के बहुत शुरुआत में ही आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, इसलिए आप इनमें से किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर से हर सेकंड ही डार्क मैटर के अरबों पार्टिकल गुजरते हैं, लेकिन हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी भी इंसान की मृत्यु इस डार्क मैटर की वजह से नहीं हुई है। आज तक कोई भी ऐसी मौत का इंसिडेंट नहीं रिकॉर्ड किया गया है जिसमें इंसान की मृत्यु से पहले उसके शरीर में छोटे छोटे छेद हो गए हों और वह प्लाज्मा में बदल गया हो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे पार्टिकल यहाँ पर होने के बावजूद भी हम डार्क मैटर से बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं? वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका कारण है डेंसिटी। वैज्ञानिकों के मॉडल्स और सिमुलेशंस में उन्हें ये पता चला कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी डार्क मैटर के एक बबल में है। यहाँ पर डार्क मैटर की मात्रा सेंटर से ईस्ट की तरफ कम होती रहती है। इसका सीधी भाषा में मतलब ये है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पार्ट में बहुत ज्यादा डार्क मैटर मौजूद है, लेकिन इसके बाहरी छोर पर यह डार्क मैटर काफी कम मात्रा में है। हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा के सेंटर से करीब 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसलिए यहाँ पर डार्क मैटर से ज्यादा नॉर्मल मैटर मौजूद रहता है। अगर आप सौरमंडल में मौजूद सारे डार्क मैटर को एक साथ कलेक्ट करके उसका वजन लेते हैं तो वो करीब 10^17 किलोग्राम आएगा। ये सुनने में भले ही आपको बहुत बड़ा नंबर लग रहा हो, लेकिन ये मात्र एक उल्कापिंड के वजन के बराबर है, जो पूरे सौरमंडल के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर चीजें इंटरस्टेलर स्पेस के मुकाबले थोड़ी अलग हैं। हम आमतौर पर अपने शरीर की डेंसिटी पानी से कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, वहीं डार्क मैटर की डेंसिटी मात्र 10^-12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर आप सभी इंसानों के बॉडी में मौजूद डार्क मैटर को एक साथ कलेक्ट करते हैं और उसका वजन निकालते हैं तो वो मात्र कुछ नैनोग्राम ही आएगा, जो किसी डिजास्टर को अंजाम देने के लिए काफी ज्यादा कम है। अगर आपको यह कैलकुलेट करना है कि हर सेकंड आपके शरीर से कितना डार्क मैटर पास हो रहा है, तो आपको चार वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ डार्क मैटर इंटू सरफेस एरिया ऑफ द पर्सन इंटू डार्क मैटर की गति इंटू टाइम। इस फॉर्मूले की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी इंसान के शरीर से एक पर्टिकुलर समय में कितना डार्क मैटर गुजर रहा है। इस कैलकुलेशन को करने में मात्र एक मिनट लगेगा। हमारी पृथ्वी पर डार्क मैटर की डेंसिटी करीब 10^-12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। आमतौर पर किसी इंसान का सरफेस एरिया करीब 1.7 मीटर स्क्वायर होता है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का चक्कर करीब 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगाता है। लेकिन अगर डार्क मैटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह मूवमेंट और भी ज्यादा तेज होगी। इस केस में हमारे सौरमंडल की गति करीब 350 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। अगर पृथ्वी की रोटेशन स्पीड को भी काउंट कर लिया जाए तो यह गति करीब 400 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इन सभी वैल्यू को आपस में कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि आमतौर पर किसी भी एक इंसान के अंदर 10^-22 kg डार्क मैटर मौजूद रहता है। यह तो एक कांस्टेंट हुआ, लेकिन इससे बहुत भारी मात्रा में डार्क मैटर हर सेकंड हमारे शरीर से गुजरता है। हर सेकंड आपके शरीर से करीब 2.5×10^-22 kg डार्क मैटर गुजरता है। पूरे एक साल में ये करीब 10^-8 किलोग्राम के बराबर की मात्रा हो जाती है। और अगर हम इंसान के एवरेज लाइफ टाइम को 80 साल लेते हैं तो इन 80 सालों में करीब 1 मिलीग्राम डार्क मैटर आपके शरीर से गुजर चुका होता है। जैसा कि आप खुद भी बता सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा अमाउंट है और इसलिए डार्क मैटर को ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। हम अपनी आकाशगंगा के एक ऐसे हिस्से में हैं जहां पर डार्क मैटर की संख्या काफी ज्यादा कम है, इसलिए इसके ज्यादा पार्टिकल हमारे ग्रह के पास नहीं होते और इन पर रिसर्च करना और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर डार्क मैटर की डेंसिटी हमारे सौर मंडल में ज्यादा होती तब भी हम इसे कभी कैच नहीं कर पाते। हमारा शरीर करीब 10 ऑक्टिलियन पार्टिकल से बना हुआ है
10 ऑक्टिलियन मतलब 10×10 की पावर 48। अगर आसान शब्दों में बोलें तो 10 के आगे 49 जीरो लगाने के बाद जो नंबर आएगा उतने ही पार्टिकल हमारे शरीर में मौजूद हैं। यही पार्टिकल आपस में मिलकर सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो आगे चलकर टिश्यूज और टिश्यूज से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। यही ऑर्गन जब एक साथ फंक्शन करते हैं तो हमें एक जीवित इंसान मिलता है। फंडामेंटली हम भी उन्हीं पार्टिकल से बने हुए हैं, जिन पार्टिकल से हमारा सूर्य और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज बनी हुई है। अगर इन पार्टिकल्स को हम डार्क मैटर के कॉन्टेक्ट में ले आए तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स काम करना बंद कर देगा और सारे पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। डार्क मैटर के कॉन्टेक्ट की वजह से ही ये डिके होना शुरू कर देंगे और अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म को अपना लेंगे। ये सभी पार्टिकल 9842 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये करीब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है, जो एक छोटे से पार्टिकल के लिए काफी ज्यादा है। अगर हमारी पृथ्वी पर डार्क मैटर ज्यादा मात्रा में होता तो आप ये वीडियो कभी नहीं देख पाते। इन पार्टिकल्स की रफ्तार तो काफी ज्यादा है, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा नहीं है कि ये पृथ्वी की ग्रेविटी को पछाड़ पाए। इसी वजह से ये पृथ्वी के आसपास ही इसका चक्कर लगाते रहेंगे। हार्वर्ड के 2 फिजिसिस्ट के मुताबिक पृथ्वी के पास्ट में जितने भी बड़े बड़े डिजास्टर हुए हैं उनमें डार्क मैटर का हाथ हो सकता है। उनका तो ये भी कहना है कि ऐसा भविष्य में भी होने के काफी ज्यादा चांस है। 6.6 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर आकर गिरा था, जिसने डायनासोर का खात्मा कर दिया था। ऐसा हो सकता है कि डार्क मैटर की एक डिस्क ने ओट क्लाउड से इस एस्टेरॉयड को हमारी पृथ्वी की तरफ ढकेल दिया हो, जिसकी वजह से ये हमारी पृथ्वी पर आकर टकरा गया और इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। इससे भी जरूरी बात है कि यह कोई पहली बार नहीं था जब डार्क मैटर ने ऐसा कुछ किया हो। हो सकता है कि डार्क मैटर की वजह से एक से भी ज्यादा मास एक्सटेंशन हुए हों, जिसमें बहुत भारी मात्रा में जीवित प्राणियों की जान गई हो। जियोफिजिसिस्ट माइकल पिनो के मुताबिक हर 26 मिलियन से 30 मिलियन सालों में हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी के एक ऐसे पार्ट से गुजरता है जहां पर एक बहुत ही मोटी डार्क मैटर की डिस्क है। ऐसा होने पर हमारी पृथ्वी पर बहुत ही भारी मात्रा में डार्क मैटर आ जाता है और यह पृथ्वी के कोर तक चला जाता है। यहां पर डिस्टरबेंस होने की वजह से और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होने की वजह से हमें पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटते हुए दिखाई देने लगते हैं और पृथ्वी का तापमान भी काफी तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि हमें हर 26 मिलियन सालों में पृथ्वी पर एक मास एक्सटेंशन देखने को मिलता है। इसी समय पर हमें पृथ्वी की जियोलॉजी में भी काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। आमतौर पर मास एक्सटेंशन में या तो सुपर कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन होती है या फिर सुपर कॉन्टिनेंट से छोटे छोटे लैंड मास टूट कर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी पर हमें बहुत रिसेंटली ही एक डार्क मैटर की वेव देखने को मिली थी। ऐसा तब हुआ था जब 2018 में डार्क मैटर के एक बहुत बड़े तूफान ने भारी मात्रा में डार्क मैटर को पृथ्वी पर भेजा। इस बात को यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ारागोज़ा ने अपनी स्टडी में एक्सप्लेन किया। उनके मुताबिक एक बोनी गैलेक्सी के काफी सारे टुकड़े हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से आकर टकराए, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही बड़ा डार्क मैटर का तूफान आकाशगंगा में देखने को मिला। वैज्ञानिकों ने काफी सारे डिटेक्टर अरेंज किए जो डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि यह डार्क मैटर का तूफान हमारे सौरमंडल में नहीं आया था। बाद में पता चला कि वैज्ञानिकों के इंस्ट्रूमेंट और कैलकुलेशंस में काफी बड़ी गलतियां थी, जिसकी वजह से हमें डार्क मैटर डिटेक्ट करने को नहीं मिला। इसके बाद भी वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि अगर ऐसा कोई तूफान हमारी पृथ्वी पर आता भी है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह डार्क मैटर भले ही भारी मात्रा में हो, लेकिन यह इतना ज्यादा भी नहीं है कि हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा पाए। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर से डार्क एनर्जी भी हर सेकंड पास हो रही है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देता है। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के पार्टिकल एक ही तरह के होते हैं, लेकिन अब उनको इस थ्योरी पर शक है। डार्क मैटर ग्रेविटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन डार्क एनर्जी ग्रेविटी के अंगेस्ट में काम करती है, जहां डार्क मैटर आकाश गंगाओं को आपस में जोड़ कर रखता है और चीजों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देता। वहीं डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाने में मदद करती है और चीजों को एक दूसरे से प्रकाश की रफ्तार से भी तेजी से दूर करती है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल रही है, बल्कि उनके बीच का स्पेस प्रकाश की गति से तेज फैल रहा है। हम आज तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के पार्टिकल कैसे दिखते हैं।
और चीजों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। हम इनका असर सिर्फ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पर देख पाते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी भी कोई चीज मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के पार्टिकल नहीं मिल जाते, तब तक ये सब हमारे लिए मात्र एक थ्योरी है। ये बात तो पक्की है कि डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। अब वह क्या चीज है और वह किस तरीके से फंक्शन करता है, ये पता लगाना वैज्ञानिकों का काम है। कुछ वैज्ञानिक तो इस बात पर भी विरोध करते हैं कि हमें डार्क मैटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं कलेक्ट करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम उसके बारे में ज्यादा समझ लेंगे तो आगे चलकर हम इसे न्यूक्लियर हथियारों की तरह गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क मैटर एक बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है जो शायद एक झटके में ही सब कुछ नष्ट कर दे। खैर, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपकी डार्क मैटर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।